एकत्रित हुए हैं, वो सुअवसर है आज अशोक श्रीवास्तव जी की बहुप्रतीक्षित किताब नरेंद्र मोदी सेंसर का विमोचन समारोह है। इस समारोह के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अशोक श्रीवास्तव जी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अशोक श्रीवास्तव जी एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में आप सभी के अतिरिक्त देश का शायद हर व्यक्ति देखने वाला वो दर्शक है, जो दूरदर्शन को आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से जानता है। हमारी पीढ़ी के अतिरिक्त आने वाले समाज में जो भी नवयुवक है वो भी अब दूरदर्शन के बारे में उतनी ही जानकारी रखते हैं जितने कि अन्य प्राइवेट चैनल्स के बारे में। अशोक श्रीवास्तव जी डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार और एंकर है, ये हम सभी जानते हैं। और इसके पूर्व अशोक जी ने 5 अन्य जगहों पर भी कार्य किया है, जिसमें आंखों देखी में वो ब्यूरो चीफ के पद पर रह चुके हैं। अशोक जी का पत्रकारिता का लगभग 25 वर्षों का अनुभव है। इसी स्थान पर मैं अशोक जी के अतिरिक्त उनके पिताश्री के बारे में भी कुछ बात साझा करना चाहूंगी। आपके पिताजी श्री विशंभर श्रीवास्तव जी लगातार 32 वर्षों तक माननीय अडवाणी जी के निजी सचिव रहे, और मैं चाहूंगी कि आप तालियों के साथ विशंभर जी का यहाँ पर सत्कार करें, स्वागत करें। और अब मैं मंच पर उन सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ कि वे इस मंच पर आए और इस मंच की शोभा बढ़ाए। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश जी का मैं स्वागत करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आए। आप सभी से आग्रह है कि जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। आप राज्यसभा के उप सभापति, इसके अतिरिक्त आप प्रभात खबर के वरिष्ठ संपादक भी रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। एक बार फिर से आप तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अब मैं मुख्य अतिथि के अतिरिक्त अन्य अतिथि विशिष्ट अतिथि जी के जी सुरेश जी का से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आए। के जी सुरेश जी डीजी IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, बहुत बहुत स्वागत आपका के जी सुरेश जी। अब मैं अशोक श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आए। अशोक श्रीवास्तव जी डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार और एंकर। हमारे एक और विशिष्ट अतिथि आने वाले हैं, लेकिन आने में थोड़ा विलंब हो रहा है, अभी वे रास्ते में हैं। वे भी बहुत जल्दी मंच पर इन सभी के साथ आएंगे और बैठेंगे। इसके अतिरिक्त अब मैं अनिल प्रकाशन के मालिक अनिल गुप्ता जी से भी आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आए। अतिरिक्त मैं विशंभर श्रीवास्तव जी से भी आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आए। इसके अतिरिक्त मैं आज के कार्यक्रम के सूत्रधार अवधेश कुमार जी से भी आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आ जाए। आप सभी मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथियों का स्वागत एक बार पुनः एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से आप इनका स्वागत करें। हमारी एक प्रथा रही है कि जब भी घर में हम किसी का स्वागत करते हैं तो स्वागत सत्कार के लिए या किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले हम अग्नि देवता को नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जिस प्रकार एक दीप जलते हुए अंधियारे में अपनी रोशनी से जगमगा देता है सारे वातावरण को, उसी तरह किसी कार्यक्रम की शुरुआत भी दीप प्रज्वलन से हो, ऐसी प्रथा रही है।
और आज इसी प्रथा का अनुसरण करते हुए सर्वप्रथम मैं अपने सभी विशिष्ट अतिथियों से आग्रह करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए। ये जगमगाती रोशनी इस बात का प्रतीक है कि जिस प्रकार करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदः आत्मबुद्धि प्रकाशाय। श्रीमती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं केजी सुरेश जी के स्वागत के लिए अशोक श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगी कि वो आगे आए और केजी सुरेश जी का स्वागत करें। कितने खूबसूरत परंपराएं हैं हमारे देश की। स्वागत होता है, दीप प्रज्वलन होता है, प्रतीक होता है कि आने वाले अतिथियों को हमने कितने दिल से बुलाया है। ना केवल दिल से बुलाया है बल्कि प्रतीक स्वरूप जो हम स्वागत के अंदर भेंट करते हैं वो जब जब उनको देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि हमने वो दिन किसके साथ और किस रूप में गुजारा है। एक और बात बहुत ही खुशी के साथ आप सभी के बीच मैं साझा कर रही हूँ। आज के शुभ अवसर पर नॉर्थ ईस्ट से शुभकामनाओं के साथ अंग वस्त्र के अतिरिक्त चरखा भी सम्मान प्रतीक के रूप में हमारे साथ आज आए हैं और उन्हें भेंट करने के लिए मैं विशाल जी से आग्रह करूंगी कि वे अपनी पूरी टीम के साथ मंच पर आए और वह प्रतीक के रूप में मुख्य अतिथियों और विशिष्ट अतिथियों को भेंट करें। इस प्रकार शुभकामनाओं के रूप में नॉर्थ ईस्ट जैसी जगह से भी प्रतीक स्वरूप क्या भेजा गया है। अंग वस्त्र के अतिरिक्त चरखा आप सभी से अनुरोध है कृपा कर अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से आप भी उन सभी नॉर्थ ईस्ट वासियों को यह एहसास कराए कि उन्होंने जो भी सम्मान प्रतीक के रूप में हमारे यहाँ शुभकामनाएं भेजी है आप तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। अनेकताओं में एकता के प्रतीक स्वरूप आप देख रहे हैं कि हमारा देश किस प्रकार एक ही प्रथा का अनुसरण करता है। क्या खूबसूरत प्रतीक स्वरूप चरखा और अंगवस्त्र भेंट किए गए हैं। इतनी दूर से आए हुए इन सभी सम्मान प्रतीकों को पुनः एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से आप और अब मैं प्रियंका कचारिया अपने शब्दों को यही विराम कर देती हूँ और मैं मंच पर अब आज के कार्यक्रम के सूत्रधार अवधेश कुमार जी से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आए और आगे का कार्यक्रम उन्हीं के शब्दों से आप सुनेंगे। धन्यवाद। सम्माननीय राज्यसभा के उपसभापति और
निजी रूप से मेरे बड़े भाई और पत्रकार में और बहुत लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत, साथ ही पत्रकारिता के अलावा जो संघर्ष की दुनिया है जिसमें से हम लोग निकले हैं, आंदोलन धरना प्रदर्शन, उसके लिए भी वैचारिक और एक क्रियात्मक स्रोत के रूप में उपस्थित हरिवंश जी और हम सब के पिता तुल्य विशंबर श्रीवास्तव जी। मेरा निजी, हालांकि इनको याद नहीं है, निजी मुलाकात मेरी अभी से 26 साल 27 साल पहले जो है अडवाणी जी के घर पर हुई थी और मैंने पहला परिचय दिया तो बोले कि नहीं आप ना अकेले आओ, तब अडवाणी जी से मिलना था कि अडवाणी जी को याद रहे, और मेरे कुछ मुझे इंटरव्यू करना था, टाइम नहीं मिला, फिर उन्होंने कहा कि मुझे आप ऐसा करो लिख के दे दो, आज व्यस्त है, मैं रात में उनसे आपको टाइप करा के फिर मैं रख लूँगा, अभी बात नहीं हो सकती, और मुझे समय पर मिल गया और हम सबके मित्र और इस समय अपने पत्रकारिता संस्थान को नए रूप देने में लगे और उस कारण मीडिया के एक बड़े वर्ग के जो है हमले का निशाना बन रहे हम लोगों के मित्र के जी जी। मैं इनको कहता भी जाता हूँ भाई आपके साथ रहूंगा तो मैं भी कहीं शिकार होने लोगों का, कभी कभी कुछ करता है। और अनिल जी जो प्रकाशन चलाते हैं और उन्होंने किताब को छापा, इसके लिए धन्यवाद। और आज इस बाराती के दुल्हा अशोक श्रीवास्तव जी, बाकी उपस्थित सभी भाइयों बहनों, देखिए कई बार मेरा कई बार कुछ कार्यक्रम के साथ कुछ संयोग भी जुड़ता है। अब आप देखिए आज दिन के लिए एक ऐतिहासिक भारत के लिए समय है कि 1971 के बाद पहली बार भारतीय सेना ने सोच समझ कर निर्णय करके और भारत की सीमा को पार किया है। मतलब यह एक युद्ध नहीं है, दुनिया को भारत ने इसके बारे में और पाकिस्तान को भी बताया है कि अगर हम पर आगे से आतंकवादी हमला होगा तो अब हम कोई प्रमाण नहीं देंगे, कोई डोजियर नहीं भेजेंगे, न कोई जांच के लिए हम किसी से निवेदन करेंगे, सीधा निशाना उसको बनाएंगे जो आतंक का स्रोत है, क्योंकि भारत के लोगों को मालूम है कि भारत में आतंकवाद का बड़ा स्रोत सीमा पार स्थित है और बगैर उसको ध्वस्त किए हुए मुक्ति नहीं मिल सकता है। तो ये बदलते हुए भारत का आज जो है दुनिया को इसका अनुभव दिखाया गया है कि अब वो भारत नहीं है, वो बदल चुका है भारत, और आगे जब भी होगा हम ऐसा करेंगे। और जाहिर है पाकिस्तान के विदेश मंत्री का अभी आ रहा था कि चूंकि भारत ने एलओसी क्रॉस किया है तो हमको भी इसके जवाब देने का अधिकार है। तो मेरे से अभी टीवी पर पूछा गया, मैंने कहा भाई लोग कहाँ अटैक करेंगे, हमने तो आतंकी कैंप को अटैक किया है ना, तो हमारे यहाँ तो आतंकी कैंप है नहीं, तो पोजो रिटेलिएट करेंगे वो किससे और कहाँ करेंगे, तो ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे दिन इस किताब का विमोचन होना पहले से तो जानते नहीं थे, तो क्योंकि क्या होता है कि कई बार व्यक्ति पर भी पड़ता है, पत्रकारिता में हम लोग भी रहे हैं और पूरे देश में पता नहीं कई हजार हम लोगों के दोस्त हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर चेहरा जाके जम जाता है, रुक जाता है। अशोक श्रीवास्तव यद्यपि एक सरकारी संस्थान में काम करते हैं लेकिन अपने जीवन में मैंने जिन कुछ लोगों को देखा है जो अपनी नौकरी को अपने कैरियर को दांव लगा के जोखिम लेते हुए भी जो अपना मत है उसको शानदार ढंग से प्रकट करना और उसके लिए संघर्ष करना, उसके परिणाम झेलने के लिए तैयार रहना, ये मैंने देखा है। आज के समय में पत्रकारिता अगर कैरियर हो गया है तो अशोक श्रीवास्तव बिल्कुल उसके परे एक चरित्र है, और इसीलिए हम सब इस मंच पर है और विशेष रूप से हरिवंश जी को इसलिए बुलाया कि हरिवंश जी जब प्रभात खबर के संपादक थे, देखिए हरिवंश जी को ये पता नहीं होगा लेकिन बिहार में जो आंदोलन हो रहे थे, जब अखबारों का स्थानीयकरण हुआ तो मुजफ्फरपुर का आंदोलन है तो वो पटना में नहीं पता चल रहा है, कोई मोतिहारी में बैठे बैठे प्रदर्शन कर रहा है, तो प्रभात खबर ने व्यवस्था की कि आंदोलनों की खबर को राज्य के पेज पर डालो ताकि एक जगह की खबर दूसरी जगह जाए और वातावरण बने। तो हम लोग अगर सौन में कोई कार्य करते थे तो वो भी वहां जाके छपता था, अगर पलामू में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो भी राष्ट्रीय दिशा में छप रहा है। तो ये एक एक, एक दृष्टिकोण होता है पत्रकारिता का, तो इसलिए विशेष रूप से था कि इस कार्यक्रम में हो रहे हैं। और तीसरी बात जो मैं कार्यक्रम आरंभ करने के पहले जो मुझे प्रस्तावना में करना, चूंकि ये किताब, हालांकि ये जो पुस्तक है आप सबको मालूम है, बाकी उस पर बोलेंगे अशोक जी, देखिए इस समय एक माहौल है देश में,
कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बाद बनाया गया है कि बहुत सेंसरशिप जैसा है घोषित सेंसरशिप है, तो किसी को बोलने का राइट नहीं है, लिखने पर दबाव है, बहुत अजीब एक वातावरण बनाया जा रहा है। मैं कई बार पूछता भी हूँ भाई, राजनीतिक रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी के साथ 50 असहमति होगी, लेकिन हम सब लोग जो चाह रहे हैं लिख रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं, किसी पर कोई रोक नहीं था, घोषित इमरजेंसी कैसे है। लेकिन इस देश में यह भी सच है कि नरेंद्र मोदी पर एक अघोषित इमरजेंसी इस देश में रही है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि भारत के कई अखबारों ने, कई टेलीविजन चैनल ने तय कर लिया था कि नरेंद्र मोदी का कोई भी भाषण, कोई भी बयान हमको दिखाना ही नहीं है अपनी ओर से। जो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध चीजें होगी वो तो हम दिखाएंगे, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, और उसमें डीडी न्यूज भी शामिल था। तो अशोक जी ने जो 2014 में इंटरव्यू लिया था, आप सबको याद होगा, उस पर खूब विवाद हुआ था। मैंने उस समय स्वयं उस पर आर्टिकल लिखे थे कि कैसे जो खबरें आई थी, कैसे उसका कार्ड था, एक इंटरव्यू से मतलब कोई डीडी जैसा कोई संस्थान हिलने लगे, सत्ता हिलने लगे, ये हम लोगों ने पहले नहीं सुना था वो कैसा इंटरव्यू था। तो जाहिर है वो एक प्रतीक था कि इस देश में वाकई अभी मीडिया पर सेंसरशिप है या खत्म हो गया है, क्या आजादी है, क्या प्रसार भारती बनने की जो कल्पना थी वो प्रसार भारती उस समय वो काम कर रहा था। तो अशोक जी ने बहुत साहस के साथ उसको उजागर करने की कोशिश की है। मुझे मालूम है कि इसके बाद बहुत सारे लोग आरोप लगाएंगे तो नरेंद्र मोदी के अंत समर्थक है, ये भाजपा के समर्थक है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक पत्रकार को इसकी चिंता किए हुए बगैर कि हम जो कुछ भी लिख और बोल रहे हैं कौन क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा, कौन क्या सोचेगा, हमारी छवि कैसी बनेगी, अगर ये चिंता करने लगेंगे तो हम सच न बोल सकते हैं न सच लिख सकते हैं। इसलिए पत्रकार को अपनी छवि की, प्रतिक्रियाओं की चिंता से परे होकर के जो उसके नजरिए से सच है वो सामने रखने का साहस दिखाना चाहिए। वही साहस इस पुस्तक में अशोक जी ने दिखाया है। इसलिए पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है पत्रकारों के लिए भी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भी, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी, और भविष्य में जो लोग पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए और राजनीतिक विचार की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहते हैं उनके लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और बाकी मैं बीच बीच में कहता रहूंगा, तो मैं चूंकि किताब पर ज्यादा बोलूंगा, मैं अपने अपना जो प्रस्तावना है उसको यही रोकता हूँ। और अभी सबसे पहले मैं अशोक जी को ही बुलाऊंगा, शुरुआत यहाँ से करें कि आखिर इस किताब लिखने, इस पुस्तक को लिखने का भाव कहाँ से पैदा हुआ, इसके द्वारा वो क्या कहना चाहते हैं। आइए बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, माननीय हरिवंश जी, बहुत आभारी हूँ आज आप इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने के लिए तैयार हुए, आपने इस लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। माननीय राम बहादुर जी मेरे लिए बहुत ही, हमारे परिवार के लिए कह सकते हैं परिवार के अंग जैसे हैं, और कुछ ही देर में आएंगे, उनका फोन आया था अभी कि मैं रास्ते में हूँ, मैं कुछ ही देर में पहुंच रहा हूँ, लेकिन आप कार्यक्रम शुरू है तो राम बहादुर जी का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और के जी सुरेश जी मेरे बड़े भाई भी हैं, बड़े भाई भी कह सकते, शायद उम्र में हम छोटे आसपास ही होंगे, तो मेरे भाई जैसे ही हैं, और बहुत उनका प्यार और सम्मान हमेशा मिलता है, हमने साथ साथ काम भी किया है। अनिल जी और तमाम मेरे सामने बैठे तमाम अतिथिगण, आप सबको मेरा नमस्ते नमन। इससे पहले कि मैं ये कहूँ, आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए और सबके लिए भी। मेरे लिए आज खुशी का दिन इसलिए भी है कि मेरी किताब का विमोचन हो रहा है, मेरे लिए खुशी का दिन इसलिए कि आज भारत ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, आज भारत ने दिखाया है कि भारत क्या है, कि भारत प्रतीक्षा कर रहा था। मैं सुबह जब ये खबर आई तो सबसे पहले लोगों ने मुझे फोन करके भी कहा था कि आज अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दीजिए, आज शायद कोई मीडिया का आदमी नहीं आएगा, और आज आप भी कैसे करेंगे इतना बड़ा लोग जो है, क्योंकि मैं खुद मीडिया का हूँ, मेरी 1 से 2 बजे मेरा शो था, मैं 1 से 2 का शो करके आ रहा हूँ, रात को 9 बजे फिर मुझे शो करना है, तो सबने कहा आज कार्यक्रम कैंसिल कर दो कि बड़ी अजीब सी बात है कि इतना सब कुछ हो गया। लेकिन मुझे लगा कि मैंने कहा ठीक है आज पत्रकार नहीं आएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लोग कम आएंगे कोई दिक्कत नहीं, बुक का प्रचार चलता रहेगा, देश पहले है, आज देश की खुशी हम यहाँ पे मनाएंगे, देश में जो आज किया आज हम खुशी मनाएंगे। और ये बड़ी एक विचित्र सी बात है, मैं थोड़ा बहुत मानता हूँ कि न्यूमरोलॉजी और कुछ बहुत ये होता है, क्योंकि आज 26 तारीख है, जब मैंने पहले इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी हमने 25 तारीख को कार्यक्रम करने का तय किया था कि हम 25 तारीख को कार्यक्रम करेंगे। राम बहादुर जी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि नहीं 26 का कर लो, तो 26 को बड़ी मुश्किल से हरिवंश जी से बात हुई कि 26 का वो उनको कहीं जाना था, तो मैंने कहा आप थोड़े दिन रहिए क्योंकि हरिवंश जी भी कल ही 25 को रात को दिल्ली पहुंचे, तो 26 की तिथि हमें मिल रही थी।
और जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो आपको एक बड़ी दिलचस्प की बात मालूम पड़ेगी। मैंने ये जो बुक का जब ये लोकार्पण तय हुआ तब मुझे नहीं पता था कौन सी दिन होगी कौन सी तारीख होगी, लेकिन आपको पता है ये जो इंटरव्यू हुआ जिसको लेकर बवाल हुआ वो भी 26 तारीख को हुआ है। और जब मैं उसके लिए विमान में बैठा था तो मेरे विमान पे जो सीट थी वो 26A थी, तो मुझे नहीं पता ये क्या होगा। जिसको मैं किडनैप हुआ था वो भी 25 और 26 की रात थी। तो मेरे पिछले जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है वो 26 तारीख को ही घटती रही है, पता नहीं है क्या सोचेगा। लोकार्पण भी आज ही हो वो आपको किताब में मिलेगा, मैंने इसका जिक्र किया लेकिन तब तक मुझे पता नहीं था कि इसका लोकार्पण 26 को ही होगा। लेकिन मैं आज किताब पर आऊँ उससे पहले मैं अपने माता पिता का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे संस्कार दिए, स्लाइड बनाया, मेरी बहनें, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, इन सब ने मुझे इतना स्लाइड बनाया। राम बहादुर जी आ गए तब मैं अनुरोध करूँगा आप प्लीज मंच पर आ गए, आपकी हम बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना ये पुस्तक यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं होता। राम बहादुर जी का सम्मान हम करेंगे इस कार्यक्रम इसके बाद थोड़ी देर में, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दरअसल मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ, मेरे मित्र सब लोगों का, और उसके बाद मैं जो आज की मूल बात है मैं उस पर आ जाता हूँ कि ये किताब क्यों लिखी। जैसा आपने जी ने भी कहा, सब जानते 2014 का ये इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद जब 2014 का इंटरव्यू हुआ उसके बाद जो बवाल हुआ उस बवाल को लेकर उस इंटरव्यू को लेकर बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो लोग आज तक नहीं जानते। लोग उसको लेकर अखबारों में तमाम तरह की खबरें आई, बहुत सारे लोगों ने अनुमान लगाया कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी, कहीं खबर छपी, लेकिन आधी से ज्यादा खबरें वो झूठ थी या वो अर्ध सत्य थी। असली खबर कोई जानता नहीं था कि दरअसल ये इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू को सेंसर किया गया, सब जानते थे, लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि 2014 में पहले इस इंटरव्यू को अबॉर्ट करने की, किल करने की, यानी कि इंटरव्यू लोगों तक पहुंचे ही नहीं, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। और मुझे साफ दिख रहा था कि इंटरव्यू प्रसारित नहीं होने वाला है, किताब में इसका पूरा जिक्र है कैसे कैसे बात की थी। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया जिसका जिक्र इस किताब में है। अगेन वो बात कोई नहीं जानता, लेकिन सच ये है कि अगर मैं ट्विटर पर एक मित्र की मदद नहीं लेता, मीडिया वॉचर करके एक मित्र है, मैं उसको जानता नहीं उस मीडिया वॉचर पे कौन था, लेकिन वो ट्वीट पे मुझे ट्विटर पे फॉलो करते थे, मैं उनको फॉलो करता था, तो ट्विटर की जब मैंने मदद ली और उसके बाद ये खबर जनता तक के बीच पहुंची, उसके बाद प्रसार भारती को मजबूर होना पड़ा कि वो इस इंटरव्यू को दिखाए। उस पूरी कहानी का जिक्र इसमें है। तो ये इंटरव्यू 2014 में हुआ था, उसके बाद मेरे मन में ख्याल था कि किस तरह का माहौल है और इस माहौल के खिलाफ कुछ लिखना चाहिए, मेरे मन में ये था। लेकिन करते करते आज 2014 से हम 2019 में पहुंच गए, उसके पीछे भी बड़ी कहानी है, किताब नहीं गई, किताब मैंने बहुत पहले लिखनी शुरू करी थी, लेकिन लिखते लिखते कुछ ना कुछ होता गया और किताब नहीं पहुंच पाई। यहाँ तक भी ऐसा हुआ कि हमारे एक अधिकारी, अब वो हमारे मेरे बॉस नहीं है, जब उनको पता चला कि मैं इस तरह की किताब लिख रहा हूं, तो उन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डलवा दिया कि हम कोई भी चीज बिना परमिशन के नहीं छाप सकते, यानी उस किताब को भी रोकने की कोशिश हुई थी। बहरहाल वो शायद क्लॉज आज भी है, लेकिन आज मैंने सोचा कि अब ये क्लॉज जाए बाढ़ में, जो मुझे कहना है वो मैं कहूंगा, क्लॉज का देखा जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। एक बात, दूसरी बात क्या हुई इस किताब को लाने के पीछे, जो दूसरी बात है जो भावना थी वो दरअसल ये थी कि आज हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ इस वक्त देश में, इस देश में इस वक्त युद्ध चल रहा है, एक युद्ध ऐसा है जो सीमा पार से हम पर थोपा गया है, आतंकवाद से युद्ध थोपा गया है जिसकी जवाब दिया जा रहा है, एक युद्ध हिंदुस्तान के अंदर भी चल रहा है, और वो युद्ध जो है ऐसा है कि इस देश में जो लोग राष्ट्र की बात करें, जो देश की बात करें, उनको किस तरह से दबाया जाए, उनकी आवाज को किस तरह से कुचला जाए, और इस देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वालों को इस देश का हीरो बना दिया जाए, इस तरह की इस देश में पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आप जानते हैं मोदी जी का इंटरव्यू एक बहाना हो सकता है, लेकिन मेरे मन में था कि ये जो फेक नैरेटिव खड़े किए जा रहे हैं पत्रकारों के द्वारा, आप देखिए मैं हाल के आपको तीन बड़े फेक नैरेटिव गिनाता हूं। पहला एक फेक नैरेटिव, अभी आप जानते हैं कि जब पुलवामा का ये मामला हुआ, पुलवामा के बाद क्या हुआ, पुलवामा के बाद देश के कुछ तथाकथित बड़े पत्रकारों ने इस देश में माहौल बना दिया कि कश्मीरी स्टूडेंट्स पर हमला हो रहा है,
जबकि ये फेक नैरेटिव है, एक भी हमले की बात साबित नहीं हुई, लेकिन देश में फेक नैरेटिव खड़ा कर दिया गया कश्मीरी स्टूडेंट से हमला हो रहा है। मकसद क्या था? मकसद ये था कि पाकिस्तान की तरफ से ध्यान हट जाए, मकसद ये था कि भारत जो बात कर रहा है वो बात ना आए, मकसद ये था सीआरपीएफ के जो जवानों की शहादत हुई है उसकी तरफ ध्यान ना जाए, मकसद ये जाए कि कश्मीर के स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। एक फेक नैरेटिव देश में खड़ा किया गया, ये एक फेक नैरेटिव है, मैंने कहा कोई साबित नहीं कर पाया। दूसरा फेक नैरेटिव देखिए, इस वक्त कुलभूषण जाधव का मामला जो है वो अदालत में है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में है, और कुलभूषण जाधव भारत में रॉ का एजेंट थे, ये साबित करने के लिए पाकिस्तान ने भारत के पत्रकारों के फेक नैरेटिव का सहारा लिया। तीन भारतीय पत्रकार थे जिनकी रिपोर्टिंग को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान ने कोर्ट किया और कहा देखिए ये दरअसल जो है कुलभूषण जाधव रॉ का एजेंट है। तो हिंदुस्तान में ये पत्रकार इस हद तक चले गए विरोध करते करते कि वो देश का विरोध करने लगे, ये भी फेक नैरेटिव। और तीसरा फेक नैरेटिव कि देश में अघोषित आपातकाल है, मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है। दिन भर अपने टेलीविजन की स्क्रीन लोग गाली कर देते हैं, गाली देते हैं, सोशल मीडिया पे लोग क्या क्या नहीं लिखते हैं इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, इस देश में देश के लिए काम करने वाले लोगों के लिए, देश में राष्ट्र प्रेम करने वाले लोगों के लिए क्या क्या नहीं लिख देते लोग, और उसके बाद कहते हैं अघोषित आपातकाल है। आप सोचिए क्या गली का गुंडा सेनाध्यक्ष को कहने के लिए कितना जिगरा चाहिए? आप सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कह रहे हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं डेंगू का मच्छर है इसको चप्पल से मारना चाहिए, और आप उसके बाद कहते हैं देश में अघोषित आपातकाल है, मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है। तो ये पूरी तरह से फेक नैरेटिव है ये कहा जाना। आज लोग कहते हैं कि देखिए इस पत्रकार को निकाल दिया गया, उस पत्रकार को निकाल दिया गया। इस किताब में मैंने जिक्र किया 2004 में, जी हाँ 2004 में जिस वक्त सरकार बदली थी उस वक्त दीपक चौरसिया सहित 50 बड़े पत्रकारों को रातों रात दूरदर्शन से निकाल दिया गया था। एक आदमी ने आवाज नहीं की थी, यहाँ पे बैठे बीरेन जी इस बात को समर्थन करें, ये भी थे 50 पत्रकारों को निकाल दिया गया रातों रात और किसी ने चू नहीं कही कि पत्रकारों को नौकरी से निकाला जा रहा है। आज कहते हैं पत्रकारों 2014 के बाद क्या, मैं डीडी न्यूज में हूँ, 2014 के बाद एक पत्रकार की भी सिर्फ इसलिए नौकरी से, दो चार पत्रकार निकाले गए उनके परफॉर्मेंस के आधार पे, एक पत्रकार को भी नौकरी से निकाला नहीं गया। एक बहुत बड़े पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को निकाला गया, लोगों ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप है। मैं कहता हूँ कि 2018 में प्रधानमंत्री ने नौकरी से निकलवाया, 2008 में आपको किसने निकलवाया था जब आप सहारा में, तो सहारा के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए गए। कितने ऐसे नौकरी है जो आपको निकाला गया, क्यों निकाला गया वो मैं उस कारण में नहीं जाता, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि दरअसल हिंदुस्तान में एक फेक नैरेटिव खड़ा किया गया कि अघोषित आपातकाल मेरे पिताजी ने देखा, उनके नाम पर मीसा का वारंट था हमारे घर में, क्या कहो, मैंने इसमें किताब में जिक्र किया आपातकाल यहाँ पर और बैठे हैं, राम बहादुर जी ने देखा, हरिवंश जी ने देखा आपातकाल देखा, तो लोगों को पता आपात। तो देश में तो फेक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, मुझे लगा इस फेक नैरेटिव पर चोट करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फेक नैरेटिव सबसे बड़ी बात है, लोग नहीं, हम लोग पत्रकारिता में हम जानते हैं कि एक फेक नैरेटिव है, लेकिन देश का आम लोग नहीं, देश के आम लोग देखते हैं कोई सेलिब्रिटी पत्रकार कहता है कि देश में आजादी नहीं है बोलने की, तो उसको डर लग जाता होगा, अच्छा देश में आम आदमी सोचता है कि देश में पत्रकार को आजादी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए जो मीडिया को पढ़ते हैं, उनको लगता है कि देश में आजादी नहीं है, देश में मीडिया को गलत दबाया जा रहा है, जबकि ये पूरी तरह से झूठा नैरेटिव है। तो इस नैरेटिव को हिट करना जरूरी था, इस नैरेटिव को चुनौती देनी जरूरी थी और सच लोगों के सामने लाना था। सच क्या है? सच ये है कि 10 साल तक नरेंद्र मोदी दूरदर्शन में पूरी तरह से प्रतिबंधित थे, उनकी शक्ल दिखाना भी दूरदर्शन में अलाउ नहीं था। ये अघोषित आपातकाल होता है, अघोषित आपातकाल ये होता है कि आप देश के गुजरात के मुख्यमंत्री को टेलीविजन पर स्पेच ही ना दे, शुभकामना भी नहीं दे पाते, शुभकामना नहीं दे सकते थे आप, मतलब आप किसी भी तरह से जो है वो होता है अघोषित आपातकाल। अघोषित आपातकाल वो होता है कि सरकार बदलती है, 40 पत्रकार निकाल दिए जाते हैं, 50 पत्रकार, वो अघोषित। तो अघोषित आपातकाल को लेकर जो फेक नैरेटिव था, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको फेक न्यूज को, फेक नैरेटिव को चुनौती देनी बड़ी जरूरी थी, उसको हिट करना बहुत जरूरी था। इसलिए ये किताब पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन इसका जब ये अब ये लोकार्पण के समय आई तो मैंने तय किया कि इसमें एक चैप्टर और जोड़े, और पहला जो चैप्टर है मैंने इसमें जोड़ा, जो पूरा जो माहौल बनाया गया उसको लेकर के मेरा पूरा जो चैप्टर है वो पूरा चैप्टर इस पर है। तो किस तरह से 10 साल तक क्या कुछ होता रहा, किस तरह से लोगों ने ये सब कुछ किया, इसको हिट करने के लिए मैंने ये किताब लिखी है। किताब अब आपके बीच में है, मुझे मालूम है इस किताब को लिखने के बाद मेरे ऊपर कुछ हमले होंगे, मुझे फिर
निशाना बनाया जाएगा, मुझे शायद भक्त का प्रमाण दे दिया जाए। लेकिन आपको एक बात बता दूं, मुझे लोग कहेंगे कि भक्त है ये तो जी मोदी जी का, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, और देश जी भी जानते हैं, केजी सुरेश जी भी जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं। हाँ देश भक्त बिल्कुल, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डीडी न्यूज में आने के बाद जब ये सरकार बदली, केजी सुरेश जी गवाह इस बात के, केजी सुरेश जी और मैंने हमने मिलकर के संघर्ष किया। हमने कहा डीडी न्यूज पर एक ऐसा प्रोग्राम आना चाहिए जिसमें विपक्ष की आवाज भी रखे। अगर अघोषित आपातकाल होता तो हमें उसकी इजाजत नहीं मिली। ब्यूरोक्रेसी के कारण हमें इस प्रस्ताव को बढ़ाने में बहुत तकलीफ हुई, करीब एक डेढ़ साल लगा। लेकिन एक डेढ़ साल बाद मैंने दो टूक नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें आज विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के भी व्यक्ति होते हैं, बीजेपी के होते हैं, उनके बीच डिबेट होती है। अगर अघोषित आपातकाल होता देश में तो दूरदर्शन पर, जिसको लोग सरकारी चैनल कहते हैं, उस पर कांग्रेस का व्यक्ति आकर खड़ा होकर अमित शाह के लिए सवाल नहीं उठाता, जय शाह के लिए सवाल नहीं उठाता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सवाल नहीं उठाता। लेकिन आज वे सवाल उठाते हैं। और मैं आपको फिर एक अंदर की बात बताता हूँ, मुझे इस प्रोग्राम को चलाते हुए ढाई साल हो गए और इस ढाई साल में इस कार्यक्रम के अंदर बहुत कुछ कहा गया, अमित शाह के लेकर कहा गया, नरेंद्र मोदी को लेकर कहा गया, और देश के प्रधानमंत्री के लिए फेकू शब्द का इस्तेमाल भी हुआ मेरे प्रोग्राम में। और ये भी तक हुआ कि दूरदर्शन को कहा गया, एक कांग्रेस के प्रवक्ता बोले कि आपको सरकारी भोपू हो, तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पता है मैंने आपको सरकारी भोपू का आप ये ताक दोगे। मैंने बोला सर बिल्कुल एक शब्द निकालूंगा पूरा जाएगा, और वो पूरा इंटरव्यू के वो पूरा उन्होंने जो कहा था वो गया। और आज तक ढाई साल हुए इस प्रोग्राम को चलाते हुए, आज तक मुझे सरकार की तरफ से किसी ने ये नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा कि आपने ये लाइन कैसे जानी थी, एक शब्द नहीं कहा। और मुझे विपक्ष की तरफ से किसी ने नहीं कहा कि आपने मेरी बात काट दी। सवाल ये है कि इतनी आजादी मेरे पास है, और वो आजादी आपको सिर्फ एसर्ट करनी होती है। कई बार मैं देखता हूँ दूरदर्शन में हमारे बहुत से गेस्ट आते हैं, उनको लगता है दूरदर्शन के मंच पर आ गए तो बोलते नहीं, खुलकर बोलते नहीं, दब के बोलते, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन सवाल है कि आपको आजादी है बोलने की? जब मुझे आजादी है, कांग्रेस के प्रवक्ता को आजादी है, बीजेपी को आजादी है डीडी पर, तो आपको क्यों नहीं? तो अगर डीडी में आजादी हो सकती है तो सवाल है कि टेलीविजन चैनल की स्क्रीन काली करने वालों को आजादी क्यों नहीं है? भाई उनको भी आजादी है, पूरी आजादी है। लेकिन ये एक फेक नैरेटिव है, और इस फेक नैरेटिव के खिलाफ मेरी लड़ाई है। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं किताब लाया हूं, और इस किताब का मुझे नहीं पता, अनिल जी का बहुत आभारी हूं। अंत में ये भी बता दूं, एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी है, जब मैंने इस किताब को लिख लिया उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ, अनिल जी ने मुझे बहुत पहले कहा था कि आप जब किताब लिखेंगे आपकी किताब छापूंगा, लेकिन मेरे मन में लालच थोड़ा सा आया। मैंने कहा कुछ बड़े पब्लिशर्स के पास जाता हूँ, तो मैंने कुछ बड़े पब्लिशर्स के पास डाला, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने कुछ उनके एजेंट से बात की, तो उनके एजेंटों ने किसी एक एजेंट ने मुझे कहा कि दो एजेंटों ने मुझे कहा भाई साहब आपकी किताब तो ठीक है, लेकिन ये फ्लेवर इस वक्त जो है ना, इस वक्त नरेंद्र मोदी विरोधी फ्लेवर है, आप अगर नरेंद्र मोदी के विरोध में कोई किताब लाए तो हम उसको छाप सकते हैं, ये कहा उन्होंने। मैंने कहा मेरी किसी के विरोध में नहीं, किसी के पक्ष में नहीं, ये मेरी किताब मेरे लिए है और जो मेरा सच है वो लिखा। तो उन्होंने नहीं चाहा। अंत में उसके बाद मैंने तय किया कि मैं इस किताब को लेकर के मैं जाऊंगा, और मैंने अनिल जी से, अनिल जी ने तुरंत कहा कि छापियो, और मैं 12 तारीख कह रहा था पुस्तक का लोकार्पण होगा। मैं अध्यक्ष जी से उसके बाद सिर्फ एक बात कहो, एक चीज की जात मैं बोल रहा हूँ, अब बहुत बड़े वक्ता है वो लोग बोलेंगे, लेकिन मैं पुस्तक का एक अंश, सिर्फ एक पैराग्राफ आपको जो लोकार्पण के बाद जो है सुनाने की इजाजत चाहूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि देश में जो माहौल बनाया जा रहा है वो दरअसल फेक नैरेटिव क्यों। लेकिन उससे पहले हमारे बीच और वरिष्ठ वक्ता हैं, और साथ साथ पुस्तक का लोकार्पण भी, क्योंकि हरिवंश जी को जाना भी है कहीं, तो हम चाहते हैं कि हरिवंश जी को सुने, और उसके बाद जो है लोकार्पण के बाद वो विदा होंगे, उसके बाद मैं आपको जरूर हूँ कि मेरा पैराग्राफ सब पढ़ के सुनाऊँ। अब देखिए, तो इसलिए अगर ऐसे कार्यक्रम में जहाज थोड़ा छूट भी जाएगा तो दूसरी जाएगा, छूटेगा नहीं, नहीं आपको मानना तो हम लोग रामबहादुर जी का इंतजार कर रहे हैं, तो आ गए हैं, मैं आगे बात रखूं। उससे पहले अनुपमा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आए और रामबहादुर जी का उन्हीं के संस्थान में जरा स्वागत करें। नहीं नहीं है वो व्यवस्था में है, मैं देखेगा जरा।
एक एक सिंधी कवयित्री है आपिया दाऊद। तो अशोक जी जब बोल रहे थे तो मैंने अपने मोबाइल में ढूंढा तो उसमें जो है वो हालांकि वो स्त्रीलिंग उसमें लिंग में उन्होंने लिखा है, अभी उन्होंने लिखा है उसको, इसका हिंदी अनुवाद है कि जिस धरती की सौगंध खाकर तुमने प्यार निभाने के वादे किए थे उस धरती पर हमारे लिए कब्र बनाया गया है, देश के सारे फूल तोड़कर बारूद बोया गया है। तो वो एक बारूद केवल वो नहीं होता है, बारूद एक विचारों का बारूद है। तो हम लोग ऐसे समय रह रहे हैं जब इस देश में विचार का बारूद बोया गया है। तो मैं जानता हूं कि इस पर, इस विषय पर, इस पुस्तक को हरिवंश जी ने अच्छी तरह से देखा है। अब चूंकि उनको जहाज पकड़ना है इसलिए हम, मैं उनका लंबा परिचय दूं, मैंने शुरू में ही कुछ बोल दिया है, लंबे परिचय के बिना ही मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आए और हम सबको के लिए अपना प्रेरक उद्बोधन दे। धन्यवाद। आदरणीय राम बहादुर जी, तीन चार दिन पहले मैं दिल्ली में ही था, अशोक जी का फोन आया, राम बहादुर जी ने कहा है मैंने ये किताब लिखी है, मुझे आज सुबह कहीं जाना था, पिछले 7-8 दिनों से भी था, मैंने पूरा प्रोग्राम बदला पर इस करार के साथ कि 3:30 बजे आप मुझे छोड़ देंगे क्योंकि मैं इस देश का अभी भी समाज आदमी। आदरणीय राम बहादुर जी, मैं सबसे पहले विश्वम्भर श्रीवास्तव जी के बारे में जब सुना तो मुझे तुरंत यह बात याद आई, आप सही वो करें, कुछ समय पहले कभार टाइम्स में खबर पड़ी कि आपने एक पुस्तक लिखी, मैंने उसे ढूंढ करके मंगवाई और यह समर्पण, यह प्रतिबद्धता, हम उससे मतभेद किसी विचार से किसी बात से रख सकते हैं लेकिन वह अद्भुत चीज मैंने श्रीवास्तव जी में देखी, तो स्वाभाविक है कि अशोक जी को प्रतिबद्धता इस पुस्तक के रूप में जो दिखाई भी वो आज मुझे स्पष्ट हुआ। तो आज ढेर सारी अशोक जी को बहुत बधाई, पर उन्हें विरासत कहाँ से मिली, जब यहाँ मैं मौजूद मंच पर हिरेन जी को देखा, उनके बारे में सुना तो मुझे उस पुस्तक की याद है, अब मेरे समझ में आ रहा। मेरे बहुत पुराने मित्र अवधेशी और बहुत प्रखरता से अखबारों में लगातार लिखने वाले और जिनके कॉलम्स देखता हूँ तभी मैं काम रोककर पढ़ता हूँ कि क्या कहा भाई अशोक अवधेशी ने, कि जी सुरेश जी, प्रकाशक अनिल, प्रकाशन के अनिल जी, आपको बहुत साधुवाद कि आपने कम से कम ये पुस्तक प्रकाशकों की भीड़ जिस काम को नहीं करने को तैयार थी आपने किया, प्रकाशकों की भीड़ कोई काम न करे तो दबाव कहाँ होता है, आपकी स्थिति क्या होती है, ये खुद बताने की जरूरत नहीं, ये आप समझ सकते हैं। चूंकि मैं बहुत इस पे चीजों को तैयार किया था बताने के लिए लेकिन मेरा चूंकि इस समय बहुत दूर है, मैं सिर्फ पॉइंट्स कुछ कहना चाहूंगा। पहली चीज कि इस इंटरव्यू को हम सब ने उन दिनों बहुत इसको देखा था, इसकी चर्चा सुनी थी, इसके बारे में जानने की कोशिश की थी, उसके बारे में पूरा प्रामाणिक और विस्तृत ब्यौरा अशोक जी ने इसमें दिया, पर इसके साथ इतिहास भी दिया कि चीजें शुरू कैसे होती हैं। पंडित जी के जमाने से जो माने जाते थे कि उस फ्रेंच फिलोसफर के कथन कि मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं लेकिन आपके विचारों की रक्षा के लिए मैं सारी ताकत ऊर्जा लगा दूंगा, उसको बचाने की अंतिम लड़ाई लड़ूंगा, उनके राजकाज में मिस्टर रामादु जी बहुत विस्तार से बता सकते हैं, मैं विस्तार से उल्लेख करना चाहता था, पर कैसे धर्मपाल जी जैसे व्यक्ति अंदर गए और जयप्रकाश नारायण जी को लिखना पड़ा, तो आपने बहुत प्रमाणिक तथ्यगत उन चीजों को दिया है जिससे स्थिति स्पष्ट होती है कि हालात क्या है। मैं बहुत डिटेल में आपको बताता कैसे एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एक माननीय न्यायाधीश जो बाद में चीफ जस्टिस बनाए गए, उन्होंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस बनाए जाने के पहले कि आप उन लाखों भूखे और गरीब भारतीयों को उम्मीद और अपनी छाओं की प्रतीक बन गई हैं,
हृदय गरीबों के दुख और पीड़ा के साथ घुल मिल गया है। आज उगते सूरज की लालिमा या आभास सुंदर किरणती किरणों की रोशनी की संभावनाओं से भरी है। यह पत्र इंडियन एक्सप्रेस में छपा है और ये उगते सूर्य उस वक्त कौन थे जिनकी भूमिका आपातकाल में थी, उससे ज्यादा बेहतर जानने वाले लोग मौजूद हैं। यही में 500 चीजें तथ्य हैं उन दिनों का, इतने भयावह तथ्य हैं जिनको मैं बताता हूं। पर मैं मानता हूं कि उनके खिलाफ जो खड़े हुए और अपनी बातें सार्थक ढंग से रखी, पर अभी जो हालात देखते हैं, पहली बार पत्रकारिता का पूरा मापदंड बदला हुआ मैं देखता हूं। हम लोग जब पत्रकारिता में गए तो सिखाया गया कि खबर होती है जिस खबर के साथ छेड़छाड़ ना करें आप, कभी खबर तथ्यगत ही होनी चाहिए, फैक्चुअल ही होने चाहिए, विचार का पेज है जिसमें आप अपने विचार की बात करें। मैं नाम नहीं लेता, देश के प्रमुख कई अंग्रेजी के अखबारों को देखता हूं, वो तो पहली पंक्ति से पहले लाइन से खबर में ही विचार से शुरू करते हैं। मेरे समझ में ये नहीं आता, तो मैं समझता हूँ शायद हम लोग की पत्रकारिता पुरानी पड़ गई है, नए दौर की पत्रकारिता या हाल की पत्रकारिता। उस दौर में कहा जाता है कि हमें बोलने की आजादी, यह कम से कम 2014 के पहले यह प्रवृत्ति नहीं थी कहीं पत्रकारिता में जो अभी दिखाई देती है। उस पर बहस भी आप नहीं कर सकते, अगर आप बहस करें तो आप माने जाएंगे कि आप प्रगतिशील नहीं है। अभी एक और दिलचस्प पुस्तक आई है, मैं पढ़ना चाहूंगा, उसमें व्यक्ति विचारों से आप सहमत नहीं हो सकते, ये संभव है। अर्बन नक्सल, मैं नक्सल इलाकों में रहा हूँ, बहुत वर्ष पहले कोच्चि से दिल्ली आते हुए सहयोग से फल में देखी ट्रैफिक जाम इन बुद्धावाड़ा, दिलचस्पी बुद्ध के नाम से बनी है। आज जो नक्सल आंदोलन से बहुत गहरा लगाव नजदीक से देखने जानने का मौका हमें मिला है, उनके नेताओं से भी संपर्क रहा है, पर मौजूदा नक्सल आंदोलन जिस रूप में उस फिल्म में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और तब मैं लिखता था उस पर लिखा। उस फिल्म बनाने वाले व्यक्ति ने अपनी सारी बात लिखी कि जब उन्होंने अलग राय रखनी शुरू की तो क्या फिल्म वर्ल्ड से चीजें हुई। यह अद्भुत हर भारतीय को पढ़ना चाहिए कि जो लोग विचार स्वतंत्र की बात करते हैं और कहते हैं कि आज आपातकाल जैसी स्थिति है, उनके बड़े लोगों का इस तरह से सवाल खड़ा करना जो वस्तु स्थिति के तथ्यगत सवाल है, वह बताता है कि मानस कैसा। बहुत विस्तार से आपने एक एक चीज अशोक जी आपने डाला है, कब कब किस तरह से 1949 से लेकर और अब तक किस तरह का दौर रहा है, किस तरह से काम हुआ, बहुत प्रमाणित तौर से प्रमाणित पुस्तक हमारे पास है जिसे हम हालात समझ सकते हैं। मैं इसके लिए पुनः बधाई देने के साथ साथ आपको यह भी कहना चाहूंगा कि मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ मैं यह पाता हूं, समाज में बहुत सारी चीजों से सहमत ना होंगे, पर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जिन प्रमुख लोगों ने किया, एक विचारधारा को मानने वाले अखबार के किसी संपादक जो पहले मुख्यधारा के अखबार में, वो जिस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल किया मैं भक्तों रह गया। वही नहीं, मैं लगभग 126 तथ्यों को मैंने तलाशा था किस तरह की बात इस प्रधानमंत्री के बारे में की गई, टुकड़े टुकड़े काटने से लेकर और क्या क्या नहीं कहा गया, जो अब तक इस देश में शायद किसी विधायक और सांसद को भी नहीं कहा गया होगा। वो सारे शब्द हम अपने प्रधानमंत्री के लिए इन माननीय और बड़े लोगों से, तो शायद एक वजह यह है कि यह वजह यह है मैं उन शब्दों को मोह किया था 129 या 130 शब्द, और बड़े लोगों के द्वारा जो बहुत माननीय और बड़े पदों पर रहे लोग बड़े दलों में हैं और बड़े व्यस्त दिन पर देश का एक बार भी देखता हूं कि ये रहनुमाई करो तो नहीं रोशनी मिल सकती, वैसे लोगों के शब्दों का। आप यह सब कहकर आप उसी व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं कि कहां स्थिति चली गई है और उसके बारे में कोई लिख नहीं सकता, कह नहीं सकता, अगर कहे तो तुरंत वो बड़ा बार मानने को तैयार है कि नहीं,
ये तो गलत, शायद ये हो गया कि जो हम लोग तो रहा ये लुटियन दिल्ली दिल्ली में बैठने वाले लोग वो समझते हैं कि मुल्क चलाते हैं हम, जो पत्रकार हैं जो तय करेंगे उसी हिसाब से सरकारें चलेंगी और बनेगी। कोई एक आदमी लुटियन के इस भ्रष्ट गणित से बाहर का अगर आता है तो आप उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये आप की असहिष्णुता इस चीज को दिखाती और दर्शाती। मैं कल सुनाना जी का काम देखने गया था चित्रकूट में, मैं आपको कह नहीं सकता कि भारत के निर्माण का रास्ता ऐसे लोगों के काम से जाता है जिन्होंने जाति देखी न धर्म देखा, उन इलाकों की तस्वीर बदल दी अपने काम से अपनी प्रतिबद्धता से, जिन इलाकों में कोई जाता नहीं वो इलाके डकैतों के इलाके माने जाते। मैं आपको दर्जनों लोगों का नाम गिना सकता हूं जबकि उस इलाके से हमारा कोई संपर्क नहीं, अखबारों में पढ़ने के कारण उस इलाके की तस्वीर कोई व्यक्ति जाकर बदल देता है, ऋषि की तरफ काम रह के मुख्यधारा की राजनीति छोड़ करके, पर उसके काम की चर्चा नहीं होती क्योंकि उसको मान लेते हैं कि वो तो उसकी धारा अलग थी। वहां से कुंभ देखने आया, अब तक इसके पहले महाकुंभ में गया था मैं 2013, 22 करोड़ लोग अब तक आकर स्नान करके उस शहर से जा चुके, 4 से 5 करोड़ बड़े स्नान के दिन लोग आते हैं, वहां के लोग कहते हैं कि ऐसी अभूतपूर्व व्यवस्था हमने कभी नहीं देखी, सड़कें महीने 2 महीने के अंदर इस कदर खूबसूरत और बेहतर हो गई। और उस पर आप जानते हैं कि हमारे समाज में हम धार्मिक प्रतीक बनाकर सड़कों को इंप्रूव कर लेते हैं, ये हमारा धंधा है, हर तरह के धर्म के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको साफ करके किस तरह शहर की तस्वीर बदल गई वहां का कॉमन आदमी कहता है। और इन चीजों को सत्य नहीं करते, एक देश एक शहर इतनी बड़ी 22 करोड़ लोगों की भीड़ को इतने बेहतर तरीके से संभाल ले, 1 लाख जहां शौचालय बने, मैं 2013 में घूमता था जहां आप निकलिए शौच दिखाई देता, आप जाकर देखिए लगता है कि जैसे हम किसी शहर में आए हैं, और इतनी अच्छी व्यवस्था, एक एक चीज मॉनिटर हो रही कैमरे से लेकर सारी चीजों से, इतनी बड़ी चीज हो जाए वहां जाकर एहसास होता है, पर देश के बड़े शहरों में बाकी जगहों पर मीडिया पर इसकी चर्चा तक नहीं होती, यह देश की स्थिति। और जो इन कामों को करते हैं उनको हम श्रेय देने को तैयार नहीं, मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में हम मोदी जी से सहमत हैं असहमत, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कानूनी स्टेज में बने हैं जो 70 वर्ष पहले बने होते तो भारत देश की महाशक्ति, और वो बनाने का साहस शायद लोग नहीं कर सकते, उसके पीछे बड़े कारण, जैसे एक कानून का मैं आपको उल्लेख कर रहा हूं, ब्लैक मनी रोकने के लिए अनेक जो कानून बने हैं वो ऐतिहासिक हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड नंबर 2, रेरा, जमीन में पैसे किनके लगे थे सारे उद्यमियों के पॉलिटिशियंस को, अरे बोरा की रिपोर्ट, इन्हें बोरा रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए, मुंबई विस्फोट के पीछे बताया एन एन वोरा ने, जो जाने माने देश के ब्यूरोक्रेट और होम सेक्रेटरी थे, कि किसके गठजोड़ से ये सारी चीजें हैं। तीसरी चीज भगोड़ा, आर्थिक भगोड़ा संरक्षण कारण, आज क्या कारण है कि जो लोग संपत्ति देश का बाहर लेकर भागे हो, बार बार कह रहे हैं कि पैसा देने को हम तैयार हैं, बुलाओ पैसा ले लो पर हमें छोड़ दो। आईबीसी कानून के बारे में दुनिया की मशहूर पत्रिकाओं में उसकी प्रशंसा मैंने देखी, भारत की किसी उसमें मैंने उसका उल्लेख नहीं देखा, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, क्योंकि भारत का समर्थ वर्ग जिस तरह से धन लेकर देश का दुरुपयोग किया वो बेमिसाल है। इस काम तो मैं किसी कम्युनिस्ट सरकार तक इच्छा करता था कि उसको करना चाहिए, और इस पर विदेशी पत्रकार जब लिखते हैं कोई बड़े तब हम गौर करते हैं। किताब आई मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं जहां जाता हूं सो जेम्स कार्पी की बिलिनार राज, मुंबई में पत्रकार थे फाइनेंशियल टाइम्स के, अभी दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में से एक लीग को सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कहा उसका निष्कर्ष बोलवा कॉमन मैन के रूप में बताऊं कि भारत में ठीक है, यह मेरा अपना उस पुस्तक को समझने के बाद निष्कर्ष है जो सरकार ने क्रिटिकल दी है, कहा कि इस देश में राजशाही खत्म हुई होगी, जमींदारशाही खत्म हुई होगी, बाकी बचा खुचा
कांग्रेस के अंदर युवा कुछ नेताओं ने जो प्रीपर्स और बाकी चीजें थी वो खत्म करा दी, लेकिन पहली शाही का राज हमेशा शुरू से बना रहा, वो पहली बार इस आईबीसी कोर्ट कानून से टूटा है। अब मैं आपको सूची नाम लेकर बता सकता हूँ कि कैसे बड़े बड़े घराने आज परेशान हैं और बैंकों के पास आ रहे कि पैसे हमारा वापस लो, हम कुछ ऐसे 8-10 कारण है जिसका उल्लेख इस केस में। अगर यह देश बचेगा तो ऐसे मजबूत कानूनों से बचेगा, और ये कानून बनाने का काम असाधारण है, महत्वपूर्ण है। 2014 में करने को तो बहुत कुछ था, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है। एक अंतिम बात कर करके मैं खत्म करूं, कितना देश बनता कैसा है उसके लिए क्या जोखिम लेना पड़ता। 2014 में पार्लियामेंट में आया तो मैं लेमैन की तरह जाना था कि देश की आमद और खर्च की स्थिति क्या है। बताते हैं देश की आमद लगभग 14 लाख करोड़, खर्च 19 लाख करोड़, एक्युमुलेटेड अब तक का लोन 17 लाख करोड़, जिस पर 4-5 लाख करोड़ इंटरेस्ट, यानी 24-25 लाख करोड़ देश का खर्च और आमद 14 लाख करोड़। ये देश चलेगा कैसे? किसी ने साहस किया धारा के खिलाफ कि टैक्स इस देश में छुट्टी बनाने के लिए विदेश में 5-6 करोड़ लोगों की संख्या है, कार खरीदने के लिए, आलिशान बिल्डिंग बनवाने के लिए, बच्चों की शादी हो, जन्मदिन की पार्टी हो, करोड़ों खर्च करने के लिए है, लेकिन टैक्स देने वालों की संख्या तब 2014 के आसपास का फिगर मैं आपको बता रहा हूं, पता किया 78,000 लोग हैं जो 1 करोड़ से अधिक इनकम दिखाते हैं, 24-34 लाख लोग हैं जो 10 लाख से अधिक इनकम बताते हैं। आज वही 14 लाख की इनकम देश की बढ़कर 19 लाख करोड़, 3-4 गुना टैक्स पेयर्स बढ़ गए। हमारे प्रगतिशील कई मित्र जिनको बड़े नजदीक से जानता हूं और वो पहुंच गए कि भाई ये जो आधार है ये बड़ा खराब है, ये सुप्रीम कोर्ट को किसको रोकिए, कहा किसको बंद कराइए। जब हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे सारे आंकड़े विदेशी कंपनियों के पास है, हमें अपने देश को अपने अकाउंट के बारे में सूचना दे देने, हमें कहा क्या खर्च किया, क्या दिक्कत है, पहन से जुड़वा देने, बाकी चीजों में सरकार ने ये कदम उठाया, 19 लाख करोड़ हो गए, टैक्स पेयर्स बढ़ करके 6-7 करोड़ हो गए, जो 1.5-2 लाख करोड़ के आसपास है, 3 लाख के लगभग संख्या बढ़ी। बिना टैक्स बढ़े देश आगे बढ़ेगा कैसे? सारी सुविधाएं चाहिए पर टैक्स नहीं देंगे। इस तरह और ऐसे अनेक काम मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक हुए, आज से 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष किसी पहले सरकार ने करने का साहस किया होता तो आज देश की स्थिति अलग होती। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, मैं मानता हूं कि राजीव जी ने ईमानदारी से कहा था मुंबई में कि 100 पैसे में से चलता है तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। 2011 में राहुल जी ने भी कहा, उसके पहले एमसी सक्सेना, उन्होंने 192 में बयान दिया था जोधपुर से जब उन्होंने डेवलपमेंट कैसे करती, फिर प्लानिंग कमीशन को सेक्रेटरी जनरल बने कि ऊपर से नीचे चलने पैसे कैसे खत्म हो जा रहे हैं, और इसको रोकने का साहस किसी व्यक्ति ने नहीं किया। 90,000 करोड़ लूट से बचे थोड़ी जो मिडिल मैन कर दूटा, यह असाधारण देश के यह आर्थिक लुटेरों से निपटना आतंकवादियों के निपटने से कम नहीं। इसलिए इस देश में किसी का साहस नहीं किया कि उन पर हाथ डाले। ऐसे बहुत सारे काम हुए, मैं आपको तो विस्तार से बहुत कुछ बताता पर चूंकि और देश जा किधर रहा था, कभी और मुलाकात होगी तो बताऊंगा जहां से रोकने की असाधारण कोशिश और फल। राम बहादुर जी बैठे हैं, एट द रिस्क ऑफ मतलब बहुत की फ्लाइट मिलेगी या नहीं मैं सुनाई देता हूँ किस्सा आपको। चंद्रशेखर जी के जमाने में सोना गिरवी रखना पड़ा इस देश, राम बहादुर जी ने बहुत चीजें उस पर लिखी हैं, और चंद्रशेखर जी को लोगों ने कहना शुरू किया कि तो सोना बेच दिया देश का, सारा कुछ प्रचार हुआ, उसकी हकीकत देश ने जाने की कोशिश की। हकीकत उसका ये है, जैसे एक प्रधानमंत्री बने, फाइनेंस सेक्रेटरी बेचैन नेक्स्ट डे से मिलने के लिए कहा, क्या जरूरी होगी भाई, मैं तो आज फिर शपथ ली है, 2-4 दिन का समय थी, कहा कि नहीं सर बहुत जरूरी है, कहा क्या जरूरी है, बुलाया, कहा कि देश कंगाल होने के किनारे, 21 दिन का ये कितने दिन का बच्चा है फॉरेन एक्सचेंज, फिर वो आवश्यक दवाएं पेट्रोलियम पदार्थ नहीं आ पाएंगे, कुछ ऐसी स्थिति क्यों हो गई, क्या पहले के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि नहीं नहीं
पहले के प्रधानमंत्री दोनों प्रधानमंत्री ने कहा कि सफाई को आगे और न किए रखें। पर ये हालात बने कैसे हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो इनकम कम होने की बात मैंने बताई, जिसको बढ़ाना 14 लाख करोड़ से 19 लाख करोड़ करना जरूरी और साहस का काम था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 83 के आसपास आईवी पटेल, जो भारत सरकार के रिजर्व बैंक के गवर्नर है इंदिरा जी के जमाने में, जो आर्थिक सलाहकार है इंदिरा जी के जमाने में, और ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पहले एशिया जो लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर बने, उन्होंने 83 में IIM बेंगलोर में लेक्चर देते हुआ कि देश की इकोनॉमिक पॉलिसी जिस रास्ते चली देश खंडाल होने वाला। 85 में माननीय मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उसके बाद मल्होत्रा जी तक सारे लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्रियों को नौकरी कहा कि शॉर्ट टर्म लोन मत लीजिए यूरोपियन मार्केट से, लोन बढ़ता जा रहा है, जिस मुद्रा की नीति पर जा रहे हैं लोन चुकाना पड़ेगा वरना भारत हालत खराब होने की स्थिति पहुंच रहा है। तो ये शुरू हुई 7-8 वर्षों से इकोनॉमिक पॉलिसी, हमने इनकम बढ़ाने की कोशिश नहीं की, कर्ज लेते गए, इस हालत में पहुंच गए। तो किसी ने साहस दिया कि नहीं हम इन चीजों से निकले और किस अपने बल पर आर्थिक ढंग से बने। हम उन चीजों को नहीं देखते, हम देखते हैं कि आधार पर क्यों बहुत सुनने लगे, मतलब आधार से को पता नहीं चलना चाहिए, किसकी कितनी आमद हो पता नहीं चलनी चाहिए, हम 10 उसमें बकड़े खा करते हैं। तो ये चूंकि वजह से जानते हैं हमारी तरफ जिस इलाके से हम लोग आते हैं कहते हैं कि लीक पर चढ़ने वाले तीन ही तरह के लोग होते हैं। तो दो का चर्चा भी मैं नहीं कर रहा हूँ, पर एक जो साधारण साहस करते हैं, सबको जोखिम पर उठा लेते हैं, वैसे ही किसी आदमी से मूल बन सकता है। हमें इस बात को समझना चाहिए, और मैं पुनः उनको बहुत अशोक जी को यह बधाई देना चाहूंगा कि लोग के तथ्यगत बात है, पूरा इस इतिहास को सामने लाकर कि किन प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे असाधारण साहस से ही देश बनाने का प्रयास हो सकता है, वो उन्होंने देश के लोगों को एक बड़े सही मौके पर बताने की कोशिश की। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। परमादरणीय राय साहब, परमादरणीय विशंबर जी, अनिल जी और आज के उत्सव मूर्ति और मेरे मित्र अशोक जी और यहाँ उपस्थित सभी विद्वतगण साथियों, वैसे अशोक जी 26 को जन्म मेरा भी हुआ था। कुछ तो है। आज ये आज के दिन का मैं मानता हूँ ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है मेरे लिए। ये जो आज वहां हुआ बालाकोट में, और दूसरा ये जो किताब है ये सर्जिकल स्ट्राइक है उस फेक नैरेटिव्स पर जो पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है और जिसको हम सब देख रहे हैं। हम में से कुछ लोग कुछ कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन बहुत ही मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक जरूरी पहल अशोक जी द्वारा ली गई है। अशोक जी को मैं बहुत सालों से जानता हूं और साथ में काम करने का मौका दिया मिला। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं था कि अशोक जी ने एक होने वाले प्रधानमंत्री का जो है साक्षात्कार किया। अभी भी प्रधानमंत्री के कई लोग साक्षात्कार करते हैं। मेरे लिए ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि उसको लेकर अशोक जी ने किताब लिखी। मैं अशोक जी को उन चुनिंदा लोगों में मैं गिनती करता हूं जिन्होंने इस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर की स्वायत्तता के लिए जंग लड़ी। उनकी पहचान इस देश में पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग को जिंदा रखने वालों में गिना जाएगा। उसके लिए संघर्ष करना कि इस देश को एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर की जरूरत है और उसकी ऑटोनॉमी को, उसके स्वायत्तता को बरकरार रखना है, मैं समझता हूं कि वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है अशोक जी की रही। अशोक जी ने उस वक्त अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, बाकी तो कहते हैं सरकारी महकमे में काम करते हैं,
सरकारी महकमे में भी एक कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले व्यक्ति की ये मजाल, की ये जुर्रत कि उन्होंने पूरे एस्टेब्लिशमेंट से जो है भिड़ना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उनके लिए लड़ाई बड़ी लड़ाई थी, अपने इंटरव्यू की लड़ाई नहीं, इंटरव्यू कट गया नहीं कट गया वो लड़ाई नहीं, लेकिन उनके लिए लड़ाई थी कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर के उस स्वायत्तता को बनाए रखें। मुझे, मैं जानता हूं कि वहां किस तरीके से खिलवाड़ होता रहा है, मेरे सामने बड़े जैसे कहते हैं कोइंसिडेंस की बात है कि मेरे सामने एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, कुमार राकेश। यूपीए के कार्यकाल में और लगातार एक कार्यक्रम सुबह सुबह चलता था दूरदर्शन पे, अखबारों पे चर्चा, उस चर्चा में एक बार कुमार राकेश जी ने गुस्ताखी की कि उन्होंने वर्तमान सरकार के विरोध में दुष्प्रचार कहा, और उसका नतीजा ये था वो जो चर्चा का कार्यक्रम ही खत्म कर दिया। ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था कि अच्छा तुम बोलने लगे इस कार्यक्रम में, पूरा न्यूज़पेपर डिस्कशन बंद कर दिया जो सालों से चलता आ रहा था दूरदर्शन। लेकिन वो सेंसरशिप नहीं है, वो आपातकाल नहीं है, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश में नए सरकार के आने के बाद महीने भर के अंदर एक वरिष्ठ पत्रकार को, जिन्होंने इंडिया टुडे जैसे पत्रिका चलाया है, उनको नमस्ते कर दिया जाता है, और कुछ दिन अभी कल परसों में दूसरे एक पत्रकार को लाया जाता है, तब कोई नहीं कहता कि ये आरएसएस का पत्रकार है, ये बीजेपी का पत्रकार है, तब कोई नहीं चर्चा करता है कि ये कांग्रेस का पत्रकार है। सिर्फ एक सरकार विशेष, एक दल विशेष ने अगर किसी की भी नियुक्ति की तो तुरंत उस पर जो है आरोप लगा दिया जाता है। यहाँ कुंभ की चर्चा हुई, आदरणीय हरिवंश जी ने चर्चा की, कुंभ में 7,000 पत्रकार कवरेज के लिए गए थे, उसमें 700 विदेशी पत्रकार, भारतीय जनसंचार संस्थान के मेरे कुछ छात्र इधर बैठे हैं, तो मैंने कहा कि मेरे छात्र जा तो नहीं पाए, उनको कुंभ के बारे में और कुंभ को कैसे मीडिया में कवरेज होती है इस पर एक चर्चा किया जाए। तो हमने वो करवाया, तो अगले दिन न्यूज लॉन्ड्री साहब लिखते हैं कि भगवा ग्रहण कर रहे हैं केजी सुरेश, कुंभ पर चर्चा कर रहे हैं, देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मानव जाति इतने बड़े तादाद में कहीं एकत्रित नहीं होते, पता नहीं पूरा का पूरा एक यूरोपीय मुल्क जो है रोज वहां स्नान करता है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए देश के सबसे बड़े मीडिया संस्थान में, तो वो भगवा करण है, ये हिंदुस्तान का हज होता है जी। और उसमें तो इतने अपराध हो, कैसे इतने बड़े लॉजिस्टिक्स है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? लेकिन नहीं, तो ये जो नैरेटिव चल पड़ा है उसका एक काउंटर नैरेटिव, स्वायत्तता के लिए लड़ने की बात पे अशोक जी ने अभी बात कही, उन्होंने अनुभव साझा किया कि हम लोगों ने कैसे कोशिश की, हमारा ये नहीं था कि विपक्ष को आप दिखाइए, हम दोनों ने जो वहां जो बात रखी जिसके लिए लड़े और आखिर में कामयाब हुए, हमने ये कहा कि अगर आप विपक्ष को नहीं रखोगे तो पक्ष को कैसे समझोगे, अगर झूठ को नहीं दिखाओगे तो सच की अहमियत को कैसे समझोगे, आप सिर्फ एक पक्ष ही दिखाकर कैसे चलेगा, आप दिखाइए, चर्चा में आने दीजिए ना, चर्चा से क्यों डरना है। ये है पब्लिक ब्रॉडकास्टर का काम, और इसलिए दो टूक जो कार्यक्रम है आज
दूरदर्शन के लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम था। तो सवाल यह है कि हम उन मुद्दों पर जो है आज आपातकाल की जब बात करते हैं तो मैं अक्सर कहता हूं कि आपातकाल की वो बात करते हैं जिन्होंने ना आपातकाल के बारे में अध्ययन किया ना अनुभव किया। ये वो लोग आपातकाल के बारे में बताते हैं जब पुलिस इंस्पेक्टर आपके प्रिंटिंग प्रेस में बैठा करते थे और तय करते थे कि कौन सी खबर जाएगी कौन सी खबर नहीं जाएगी, और उसमें आत्मसमर्पण कर दिया था कई पत्रकारों ने। विशंबर जी बैठे हैं, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखा था बहुत फेमसली, उन्होंने लिखा था कि when they were asked to bend they crawled, जब उन पत्रकारों से झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लग गए। लेकिन रामनाथ गोयनका जी जैसे पत्रकार थे जो उठ के खड़े हुए और उसका उन्होंने मुकाबला किया, राय साहब ने मुकाबला किया, पूरा एक भूमिगत आंदोलन चला था उसके खिलाफ। तो वो हमारे लिए रोल मॉडल है, वो था आपातकाल। लेकिन आज आपातकाल के खिलाफ आपातकाल के साथ तुलना किया जाता है, क्योंकि कुछ पत्रकार जिसका बहुत मुझे बहुत, मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाया लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन विषयों को जिनको दबा दिया गया था, ऐसे कहानियां हैं मैं बताऊंगा नहीं, खरीद के पढ़िए प्रकाशक को भी जो है अपना जल दबाना है तो ऐसे ऐसे रोचक कहानियां हैं कि जो किताबें जो जो कहानियां जो चीजें कभी मुख्य धारा की मीडिया में कभी नहीं आई, जिनको दबा दिया गया, ऐसे ऐसे प्रकरणों के बारे में वाकई बोलने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। मैं अशोक जी को दाद देता हूं कि उन्होंने वो हिम्मत दिखाई, और अशोक जी ने कहा भी है, वो कारण भी बताए हैं पूरा। ये मात्र एक इंटरव्यू और उसके पीछे का दास्तान नहीं है इस किताब में, वो एक मेन प्लॉट है, उसके इर्द गिर्द पूरा नैरेटिव को आपने काउंटर किया है और बताया है कि किस तरीके से जो मीडिया मैनेज करने की बात कही जाती है और उसमें किस तरीके से कैसे जंकेट बनाए जाते थे, किस तरीके से पत्रकारों को हवाई जहाज में भर भर के ले जाया जाते थे, उनके सुख सुविधा का कितना ख्याल रखा जाता था, उनको पेयजल कितना पिलाया जाता था और वो सब किस तरीके से बंद कर दिए गए। तो कम से कम मैनेज करने वाले बंद तो नहीं करते, ये तो मैनेजमेंट में तो नहीं आता है, नाराज जरूर किया है खूब लोग, कई दुकानें बंद जरूर हुई है, तो उसका बहुत विस्तृत विवरण इस पुस्तक में है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ज्यादा खुशी तो खैर ये इसमें है कि आपने पुस्तक लिखा, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी इस बात का है कि पिछले 3 वर्षों से हमारे संस्था के छात्रों को अशोक जी का मार्गदर्शन मिल रहा है और एक पूरी पीढ़ी हम तैयार कर रहे हैं, अशोक जी जैसे पत्रकारों को हम तैयार कर रहे हैं अपने यहाँ, और इस बात की खुशी है। और पुनः मैं अशोक जी को बधाई देता हूँ, हम सब माननीय राय साहब को सुनना चाहते हैं, लेकिन इस पुस्तक को मैं बहुत ऐतिहासिक पुस्तक मानता हूँ और मीडिया के हर छात्र को हर मीडिया कर्मी को यह पुस्तक पढ़ना चाहिए। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा और मेरे खुद छात्र पढ़ेंगे, हमारे पुस्तकालय में खुद पूरे देश भर के IMC कैंपसेस में ये पढ़े जाएंगे, रेफरेंस मटेरियल होगा, क्योंकि ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।